तू कंधे पर उजा के नाचा था क्या? तुम्हें एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, मैं मेरी बेटी की परवरिश कैसे करता हूं, और ये जो कुछ भी बता रहा हूं मैं एक भी चीज इसमें झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या चाहता हूं पता है? आई वॉन्ट माई डॉटर टू प्ले प्ले लाइक मैड। उसके एग्जाम के दिन भी वो खेलती है, एंड आई मेक इट अ पॉइंट दैट कि उसको इसमें रोका नहीं जाए, खेले वो बहुत ज्यादा खेले। मैं रोकता ही नहीं, मैं नहीं रोकता, ना मेरी वाइफ रोकती है, प्रोवाइडेड शी प्लेज द गेम्स विच आर नॉट हार्मफुल फॉर हर। नहीं तो इधर से जम मारूंगी वो नहीं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू अलाउ हर टू प्ले द गेम्स। यू नो व्हाट इज द रीजन बियॉन्ड दैट? द रीजन इज प्लेइंग टीचेस यू टू गिव यू 100%। तुम याद करो ना, तुमने 100% कब दिया था? जब तुम खेलते हो ना तब तुम 100%। मतलब मैं मेरी लाइफ को अगर चेक करता हूं तो आई वॉज अ ब्लडी डैम फेलियर यार। मतलब सातवीं तक तो फेल होता था साला कमीना आदमी में। बट ये बात है कि घर में जो तीनों भाइयों बहनों में सबसे ज्यादा अगर कोई खेला होगा तो वो मैं हूं। मतलब ऐसे पागलों के जैसे, दीवानों के जैसे खेलता था। मतलब माँ पकड़ के लेके आती थी, जा भाई अभी स्कूल जाने का है, कपड़े पहना के भेजती थी, और हम ऐसे लाल होकर जाते थे। मतलब पूरा लाल हुए सोए, इधर उधर पसीना बह रहा है, उसमें शर्ट डाला और चले गए। तब कौन लड़की कैसे देख रही कुछ फर्क नहीं था, खेलने में इंटरेस्ट था, तुम्हारा रूल अलग रहता है। सो आई ओनली बिलीव्ड इन प्लेइंग, बट आई विल टेल यू दैट वन थिंग टॉट मी इन माई लाइफ टू गिव माई 100%। और जब तुम 100% देना सीख जाते हो कोई चीज में, मतलब मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं 100% दे रहा हूँ, और कुछ बचा है अंदर जो दे सकता हूँ। जब वो वाली चीज आ गई ना तुम में, तो फिर तुम कोई भी एरिया में जाओ, कोई भी फील्ड में जाओ, फिर आप सक्सेसफुल होने ही होने। सो दैट वॉज अ गुड थिंग कि तुमने 100% देना सीखा, बट उसको रेगुलरली दो, क्योंकि रेगुलरली दोगे तो फिर थकोगे नहीं। थकते क्यों पता है ना, हम वार्म अप जब हम करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं, पहले 7-8-10 दिन दुखता है काफी, फिर एक बार जब करने लग जाते हो रेगुलरली तो फिर दुखता नहीं है। तो ये 100% देने वाला तरीका जो है ना, इट इज अ टायरिंग फॉर ओनली फ्यू डेज, बट यू शुड रेगुलरली एवरी डे गिव 100%। सो डोंट टेक मी रॉन्ग कि आई शुड डू पार्टी एवरी डे, नो, यू शुड गिव योर 100% इन योर स्टडीज लेटर ऑन। एक दिन पार्टी में 100% दिया, उसके बाद में बाकी के स्टडीज में 100% दो, बट देना शुरू करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Whenever you are studying, you should think as if you are a Virat Kohli, कि क्या मुझे वैसा ही मजा आता है क्या? सचिन तेंदुलकर, क्या मुझे वैसा ही मजा आता है क्या? क्या कंसेप्ट मिला, ऐसा फीलिंग आती है क्या? फीलिंग ऑफ वाउनेस, या ऐसे ही आता है यार आज थकेली जिंदगी निकली, हाँ ढोकली। गुड गुड बेटा, चलो आ जाओ लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बात चल रही थी अपनी, है ना छोरी? बेटा इसको लिख दो, इट इज अ कैश बुक। LS, हमको आप कैश बुक सिखाओ कितने बड़े होने के बाद? यस बेटा, इट इज व्हाट? कैश बुक। अच्छा, कैश बुक की कितनी साइड होती है? कमाल करते हो पांडे जी। पहली वाली साइड क्या है? रिसीट। और दूसरी वाली साइड क्या है? पेमेंट। बस वही बात है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। पहली मर्तबा मुझे कुछ सिखाने को मिल रहा है इस चैप्टर में, जो अकाउंटिंग है, डेबिट नहीं लिखूंगा, ये क्रेडिट नहीं लिखूंगा, बस ये अंदर की बात है, ध्यान रख लो, ये रिसीट है और ये पेमेंट है। लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान रहे, ये रिसीट है और ये क्या है? पेमेंट है। सही है, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। दिस इज द रिसीट साइड एंड दैट इज द पेमेंट साइड। रिसीट साइड का स्टेप वन, आप सारे रिसीट्स लिखोगे, जहां जहां से पैसा इकट्ठा करके लेके आ सकते हो पैसा इकट्ठा करके लेके आओ। से यस। सो रिसीट कहां कहां से आएगी? आपकी लैंड एंड बिल्डिंग बिक जाएगी, आपकी प्लांट एंड मशीनरी बिक जाएगी, आपका ओपनिंग कैश बैलेंस रहेगा वो आ जाएगा, राइट? जहां जहां से पैसे इकट्ठा कर सकते हो ना पांडे जी, पैसा इकट्ठे करके लेके आ जाओ। एक बार पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद में पेमेंट का सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको क्या सिखाऊंगा? सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। आप पेमेंट आपके मन मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकते, एक सीक्वेंस है, उसी में आपको पेमेंट करना होगा। एम आई कम्युनिकेटिंग राइट? सो बेटा रूल देखो, पहला रिसीट, फिर सीक्वेंस ऑफ पेमेंट स्टेप नंबर टू, और स्टेप नंबर थ्री वापिस इधर आएगी। हो तेरी, सर इधर भी आती है स्टेप? हाँ, स्टेप नंबर थ्री एकेडमिक्स में लेफ्ट हैंड साइड में रिसीट साइड में वापस आएगी, और स्टेप नंबर फोर इधर आएगी। सर कैसे, क्या वो मैं हूं ना? मैं बता दूंगा, पहले बताओ स्टेप वन कहां पे आएगी? रिसीट साइड। फिर स्टेप टू पेमेंट साइड। फिर स्टेप थ्री रिसीट। एंड स्टेप फोर पेमेंट साइड। ये बात ध्यान रखोगे तो चीजें समझ लो कि मैं इसमें ही करा दूंगा, वर्किंग नोट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सुनते हैं रिसीट साइड में क्या क्या आता है। बेटा आपकी असेट जो भी बिकेगी वो रिसीट साइड में आएगी।
तो सेल ऑफ असेट विल कम ऑन द रिसीट साइड. नाउ इन द सेल ऑफ असेट देर आर टू टाइप्स ऑफ असेट, वन विच इज अ सिक्योर्ड असेट एंड वन विच इज एन अनसिक्योर्ड असेट. इन अदर वर्ड्स, असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एंड असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड. जो असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड है, असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, स्पेसिफिकली प्लेज्ड, ये सारी चीजें, असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, ये सारी चीजें आप पहले लिखोगे उनकी रियलाइजेबल वैल्यू, या रियलाइजेबल वैल्यू की जगह पे आप ऐसे बोल दो कि जितना रियलाइज्ड हुआ. क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग वी आर गोइंग टू डू इट इन फ्यूचर, दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट टेंस कि आपने बेचना शुरू किया असेट, आपको पैसा आना शुरू हुआ. एग्रीड? तो आप यहां पर रियलाइजेबल वैल्यू ले लोगे. एम आई कम्युनिकेटिंग? नाउ नेक्स्ट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तुम ऐसा कर रहे हो. चुप रहे. मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल. मैं नाराज हूं अभी, घाटू में. अरे छोरी देख रहे भाई इधर. तो यहां पर कौन से लिखेंगे पहले? असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड, उसकी ईआरवी आ जाएगी या रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, अब सुनो, जो स्पेसिफिकली प्लेज्ड है ना वो असेट किसके पास होगी? जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरा एक प्रॉपर्टी है, आई हैव मॉर्गेज्ड इट विद द बैंक. सो द पेपर्स कागजात सारे किसके पास होंगे? बैंक के पास. बैंक आपको वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं देगा, वो बोलेगा भाई मैंने मेरे पास गिरवी रखे रखी हुई प्रॉपर्टी, मैं इसको बेचूंगा, मेरा लोन का सेटलमेंट करूंगा और फिर बचे हुए पैसे आपको दूंगा. इसीलिए यहां पर जो सरप्लस आएगा वो आप लिखोगे सरप्लस फ्रॉम असेट्स स्पेसिफिकली प्लेज्ड. अगर आपको याद होगा ये सरप्लस कहां पे था, लिस्ट बी में. जो सरप्लस वाली अमाउंट है सिर्फ वो लिखोगे, ईआरवी इधर नहीं आएगी. आई रिपीट, ईआरवी आएगी क्या? नहीं आएगी. नहीं आएगी. इधर सिर्फ क्या आएगा? सरप्लस. से यस. किसी को मुझे नहीं लगता कोई व्यथा है. तो बेटा जी स्टेप नंबर वन क्या समझे आप कि रिसीट साइड में लिखना है? कौन सी दो चीजें? असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एंड असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड. असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड की क्या ले लोगे? एआरवी. और असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड का क्या लोगे? सिर्फ सरप्लस. वेरी गुड. नाउ लेट्स कम ऑन द पेमेंट साइड. पेमेंट साइड में एक सीक्वेंस बना के रखा हुआ है, उस सीक्वेंस के हिसाब से आपको क्या क्या पेमेंट करना है. कम डाउन टू द थ्योरी. हियर आर वी. हमारा ये क्वेश्चन हो गया था ओवरराइडिंग. मैंने पढ़ने के लिए कहा था आपको लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट. लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में ऑर्डर ऑफ पेमेंट सुनिए ना. वन एंड टू को इग्नोर कीजिए. क्यों? हम आगे देखेंगे. वन एंड टू को इग्नोर कीजिए. कर दे रहे चोरी. वन एंड टू को इग्नोर ऐसे मत करिए यार बेटा. हाँ काटना है और कैसे करेंगे. इग्नोर करो. काटना है. चक्कू लेके आएगा तू? भूल गया. ठीक है. सो वन और टू को काट दो. काट देने के बाद में हेडा जी लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन एंड कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, ये तीनों एट पार है. लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन और क्या, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, ये एट पार है. मतलब तीनों का पेमेंट एक साथ एक समान लेवल पर होगा. ध्यान रहे इसमें मजाक नहीं बोल रहा हूं, बहुत ही खतरनाक काला बाबा है. किसमें? लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन में. लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन को हाईलाइट करके रखो. खतरनाक वाला काला बाबा इसमें. और अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो घर पे तड़पते रहोगे. रिवान साहब, रियाज साहब, तड़पते रहोगे ऐसे कि क्या बोल कर गया बाबा. अच्छा नेक्स्ट, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स. बेटा ध्यान रहे नेक्स्ट प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स. इधर लिखो पे अटेंशन, पे अटेंशन ऑन फॉर्मेट, पे अटेंशन ऑन फॉर्मेट प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स. बेटा प्रायोरिटी में पेमेंट प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स का पहले होता है.
बट डिस्क्लोजर में उनका डिस्क्लोजर लेटर स्टेज पे दिखाया जाता है. आई वुड लाइक टू रिपीट इट, प्रायोरिटी में पेमेंट पहले ही होता है, बट डिस्क्लोजर में उनका डिस्क्लोजर लेटर स्टेज में होता है. तो इसलिए ये वाली चीज पेमेंट हमें पहले ही करना होता है, बट डिस्क्लोजर इसका दिखाते वक्त लेटर स्टेज में. तो तुम मैं फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगा. नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर बाय फ्लोटिंग चार्ज, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स एंड व्हाट, इक्विटी शेयर होल्डर. अगर तुम सोच रहे होंगे कि सर ये तो पूरा का पूरा मैच हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, पूरा का पूरा डिक्टो मैच हो रहा है. से यस. क्या मैं भी आगे आपको ले चल सकता हूं? ये देख लीजिए, पहला कैश पब्लिक बैंक, रियलाइजेशन ऑफ असेट, सरप्लस ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एग्रीड. इसको लिखिए, ये स्टेप वन मैंने आपको बताई थी, ये स्टेप वन, ये वन आएगा, ये स्टेप वन है. फिर बेटा जी यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये यहां पर इस लेवल तक, इस लेवल तक भी बोल सकते हैं, स्टेप टू है, स्टेप टू है, ये ले इधर तक, इधर तक, ये इधर तक दिख रहा है क्या? स्टेप टू है कौन सा? यस नहीं, वो पूरा ले लेना प्रेफरेंशियल, ये पूरा इधर तक लाइन है ना, ये लो इधर तक, ठीक है. इडियट्स. हाँ बेटा नीचे अभी मेजरमेंट लेके आना, स्केल से करके कर दियो. हाँ, ये स्टेप टू, फिर ये स्टेप थ्री, और ये लास्ट वाला स्टेप फोर. मैंने बोला था ना, स्टेप वन टू थ्री फोर. इसमें स्टेप वन और टू बहुत इजी है, माट से माट बच्चा करके आएगा. स्टेप वन एंड टू इज वेरी इजी, स्टेप थ्री और फोर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. बट कम से कम ये बात तो पता चल गई कि ऐसे मूव होने वाला है, और घर पर पढ़ते वक्त मुझे ऐसा नहीं पढ़ने का, ये फिगर कहां से आ रहा समझ में नहीं आ रहा है. ये थर्ड वाला फिगर विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस फिगर, फोर्थ वाले फिगर पर, एंड फोर्थ वाला भी डिपेंडेंट ऑन होगा थर्ड फिगर पर. तो हम देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं. अब मेरी बात सुनिए, अगला पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स 9.1 स्पेशल पॉइंट्स. सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी एंड डेफिशिएंसी ऑफ पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इज दैट ओके? सरप्लस ही लिखना होता है कौन से साइड में? रिसीट साइड में. और डेफिशिएंसी कहां जाएगी? अगर रहा तो इट विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो पेमेंट करते हो, सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ पेमेंट देखो क्या क्या है. ऑर्डर ऑफ पेमेंट में क्या क्या है? मैंने फर्स्ट सेकंड तो काट दिया है, फिर क्या क्या है? लीगल चार्जेस, फिर लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, फिर कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, ये तीनों एट पार है. फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर डिबेंचर होल्डर्स, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर. अगर आप तक बात पहुंची है तो ये लिस्ट सी डी ई एफ जी के हिसाब से मैच हो रही है. हाँ या ना? यस. अब मेरे बच्चों उसमें सरप्लस लिखना होता है, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ये टिक मार्क कर दो. लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज राइट, ऑलवेज राइट इन आउटर कॉलम. क्यों सर? भाई बोल रहा है ना, लिखो तो लिखो, क्यों? अपने आप पता चल जाएगा. इट इज ऑलवेज टू बी रिटर्न इन द आउटर कॉलम. एम आई कम्युनिकेटिंग और नॉट? हमेशा आउटर कॉलम में ही लिखना है, कोई इनर कॉलम में नहीं लिखेगा नलायक, क्योंकि खाली पकड़ कट जाओगे सालो. आउटर कॉलम में लिखना, बस इतना मैंने बताया, आगे चलते. बट हालांकि ये सबसे क्रिटिकल एडजस्टमेंट यही वाली है. लिक्विडेशन, लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन के बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. नाउ कम डाउन टू द नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड अदर लाइबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट. सुनिए, देखो डेट ऑफ वाइंडिंग अप, कोर्ट ने ऑर्डर किया वाइंडिंग अप टुडे, तो आज के आज पेमेंट नहीं होता है. कोर्ट ने वाइंडिंग अप ऑर्डर देने के बाद, उसके बाद असेट को रियलाइज कराया जाएगा. लिक्विडेटर जाकर सारी असेट्स का कब्जा लेता है, उनको टेंडर पास कराता है, उनको बेचता है, पैसा लेके आता है, पैसा लाकर डिबेंचर का रिपेमेंट करता है, बराबर है? इसमें कुछ समय जाता है. तो बेटा जी रूल कैसा है? अगर आपकी कंपनी सॉल्वेंट है, अगर आपकी कंपनी सॉल्वेंट है, देन इंटरेस्ट इज टू बी पेड अप टू द डेट ऑफ रीपेमेंट, क्योंकि डिबेंचर तो आउटस्टैंडिंग है और उनका मीटर चालू हो जाएगा. इंटरेस्ट इज टू बी पेड अप टू द डेट ऑफ रीपेमेंट इफ द कंपनी सॉल्वेंट, बट इफ द कंपनी इज इनसॉल्वेंट देन द इंटरेस्ट इज टू बी पेड ओनली अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप. सो लेट मी एक्सप्लेन यू, इफ द डेट ऑफ वाइंडिंग अप इज
1st Jan 2017, but my dear friend, date of payment is, let's take an example, 31st December 2017. Agar company solvent hai to aapka interest its date tak diya jayega. If company is what? Solvent. But agar aapki company solvent nahi hai to aap payment kab tak karoge? On the date of winding up or liquidation, if company is not solvent. Now let me explain you the position of your institute in this regards. आपकी institute कहती है कि हमारे जितने भी winding up orders है वो सारे voluntary होंगे. They are not going to be compulsory. अब जब question पढ़ेंगे तो आप पढ़ना शुरू करेंगे कि there would be voluntary winding up. In generally voluntary winding up, company is solvent. In generally voluntary winding up, the company is solvent. तो हम हमारे हर एक क्वेश्चन में यही अज्यूम करेंगे दैट द कंपनी इज सॉल्वेंट एंड बिकॉज इट इज सॉल्वेंट वी आर गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ डिबेंचर. से यस, मुझे आवाज नहीं. कब तक पेमेंट करोगे? अप टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. बट इफ द कंपनी इज इनसॉल्वेंट, इंटरेस्ट वुड बी पेड अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप. इज दैट ओके? सो रीड द पॉइंट. The date up to which interest on loan, debenture, etc. is payable depends on fact whether the company is solvent or insolvent. In case the company is solvent, surplus is left after paying the principal and interest on all debt up to the commencement of winding up. Interest is payable up to the date of actual payment. But if the company is insolvent, the interest is payable only up to the date of commencement of insolvency. Write down. In exams, we are going to pay the interest. We are going to pay the interest up to the date of repayment. Is that okay? Up to the date of repayment. Going ahead. Preference dividend. सुन रहे ना तू बेटा? प्रिफरेंस डिविडेंड विल नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. इट विल नॉट बी अ लाइबिलिटी. इट इज इनफैक्ट एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. व्हाई? बिकॉज अगर मान लो तुमको प्रॉफिट्स नहीं थे तो जाहिर सी बात है तुम्हारे प्रिफरेंस डिविडेंड तुमने प्रोवाइड नहीं किए होंगे. बट अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. अगर प्रिफरेंस डिविडेंड इज अपीयरिंग इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, इट विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड पेड ऑफ. आई रिपीट, अगर डिविडेंड पेबल अपियर्स इन योर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, विच इट शुड नॉट, बहुत रेयरली आएगा, बट अगर रहा तो इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड वुड बी पेड एज सच. बट अगर आपके बुक्स में डिबेंचर आउटस्टैंडिंग नहीं दिख रहा है बट एडजस्टमेंट में लिखा है अरियर्स ऑफ डिविडेंड, तो रूल ऐसा है पांडे जी कि आपने पहले इक्विटी शेयर को पेमेंट करने के पहले प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करोगे और किसका? अरियर्स ऑफ डिविडेंड का पेमेंट करोगे. समझ रहे हो? वापिस से बताता हूं. क्या बताओ? अगर मान लो आपके बुक्स में क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स है और उनका डिविडेंड पेएबल इज अपीयरिंग इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू फर्स्ट मेक द पेमेंट ऑफ देम एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. तब वो डिविडेंड नहीं होगा, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है. इट इज पेड एज अ लाइबिलिटी. Agreed. और अगर आप कंपनी लॉ भी देखोगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि 30 डेज में पेमेंट करना होता है. राइट? सो पूरा लाइबिलिटी के जैसे ट्रीट होगा. बट अगर अरियर्स है, अरियर्स से मतलब इट इज नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, इट इज आउटस्टैंडिंग नहीं है, ऐसा एंट्री नहीं पास हुई है, सिर्फ पेमेंट किया नहीं और अरियर्स में पिछले 3 साल से, तो इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट करने के पहले आप अरियर्स का पेमेंट करेंगे. तो रीड इट, बट इट ऑल विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. प्लीज रीड इट. इफ प्रिफरेंस डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड but not paid, please underline the word declared. Iska meaning likh lijiye, entry is made. Declared ka matlab entry is made. If preference dividend has been declared but not paid, then they are paid as debt and not as arrears. Likh lijiye as unsecured creditors. As unsecured creditors payment hoga. आगे क्या लिखा है गुंडू? इफ प्रिफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर वन और मोर इयर्स एंड इट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, देन द पोजीशन अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स वुड बी एज अंडर. प्लीज अंडरलाइन द वर्ड अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स. मतलब अगर क्वेश्चन ने और कोई चीज बोली है आर्टिकल्स के हिसाब से, सो यू आर गोइंग टू फॉलो द क्वेश्चन. राइट नाउ आई एम टीचिंग यू कंपनी लॉ.
He said, okay, right now I'm teaching you company law. Company law kya bolta hai? Arrears of preference dividend will be paid only when preference share capital and then equity share capital are returned in full and surplus is left. Ruko. Ye point pura complete nahi hai. Table A, however, provides payment of arrears of preference dividend. Matlab kya? Table A kya hai? Kaun batayega? What is table A in Companies Act? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते क्या ऐसी कोई चीज? हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मतलब अगर कोई छोटी कंपनी है जिसके पास खुद के आर्टिकल्स नहीं है तो कंपनीज एक्ट ने उनके लिए कुछ मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना के रखे हुए है. और मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर कोई प्रोविजन हमारे एओए में नहीं लिखा हुआ है देन व्हाट विल अप्लाई इज मेमोरेंडम एओए विच इज गिवन बाय होम, कंपनीज एक्ट. अरे ये बात मालूम है ना आपको? सो मेरे रसगुल्ले, कंपनीज एक्ट के उस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ प्रिफरेंस डिविडेंड पहले देना होता है. से यस. तो मुझे एक दो मिनट, जस्ट गिव मी सम टाइम. मुझे एक बात बता दो, अपना ट्रीटमेंट क्या है? बैलेंस शीट में डिविडेंड इज अपियरिंग, बैलेंस शीट में डिविडेंड इज अपियरिंग, it will be what treated as unsecured and paid before even preference share capital is paid. But if it is appearing as an arrears, as an adjustment, pichle 3 saal ka nahi diya, 2 saal ka nahi diya, to kya karoge? Then agar aapki problem kuch bol rahi hai ki payment mat karo, to you will ignore it, because in that case articles of association of my entity will override it. Yes or no? But problem mein kuch bhi nahi bola hai, sirf itna likh diya arrears of dividend is for 2 years. Then as per memorandum or sorry articles of association, you will first make the payment and then you are going to make the payment of preference share capital. Yes or no? Rather, in other words, equity shareholder ko payment karne ke pehle aap kiska payment karoge? Arrears ka payment karoge. Yes Mohit? Haan, 1956 ke hisab se table hai. Us abhi kaun sa ho gaya? Table F ho gaya. Theek hai. Is that okay? टेबल एफ को रेक्टिव, ये टेबल ए को रेक्टिफाई करके टेबल एफ कर दो. तुम्हारी पढ़ाई बहुत जोरदार है भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू सन. कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, आई टीच यू लेटर ऑन, नॉट अ बिग डील. यप, ये यहां तक आ गए हम. ये चलो एक बार रिवाइज कर दे. लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या है? कैश बुक है क्या? तो देखो कैसा, पहले वन, फिर रिसीट वन, फिर पेमेंट टू, फिर वापिस रिसीट में 3 और फिर पेमेंट में 4. मतलब इससे पता रहेगी 1 2 3 4. ओके, फिर दूसरी बात बताओ मुझे, वो रेमुनरेशन कहां पर लिखोगे? इनर कॉलम या आउटर कॉलम? आउटर कॉलम. अच्छा, पहले जहां जहां से पेमेंट आएगा लिख लोगे डेबिट साइड में? अरे बट एक आदमी है उससे क्या आता है? सरप्लस. तो सरप्लस लिखोगे या ग्रॉस वैल्यू लिखोगे? सरप्लस. वो कौन सी एसेट होती है? सिक्योर्ड एसेट या एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, उसका सिर्फ क्या लिखेंगे आप? सरप्लस. अच्छा, पेमेंट साइड में क्या क्या लिखना है? पेमेंट साइड में क्या क्या लिखना है? पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस, और क्या है? लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन. ये तीनों ऐड पार है क्या? फिर उसके बाद में क्या है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज. ए टेक अ पॉज, टेक अ पॉज. इंटरेस्ट का क्या माजरा है पांडे जी? अगर कंपनी सॉल्वेंट रही तो इंटरेस्ट कब तक पेमेंट करेंगे? अप टू द डेट ऑफ पेमेंट. बट इफ द कंपनी इज इनसॉल्वेंट कब तक पेमेंट करोगे? डेट ऑफ वाइंडिंग अप. लवली. उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और फिर उसके बाद में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर. ऑलराइट बेटा, अब मैं आपसे एक फॉर्मेट दिखाने की कोशिश करूंगा जो मैंने नहीं बनाया, आपकी मॉड्यूल बताती है. हो जाओ ओपन रे भाई. राधिका ये आज मुझे मिलके जाना बेटा.
चलिए ठीक है, शुरू कर दे। नई वाले मॉड्यूल में नहीं है वाला पार्ट। चलो देना मुझे एक बार टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक दी हुई है मुझे, कोई बात नहीं। चलो कम डाउन टू सम क्वेश्चंस। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि कौन से क्वेश्चंस आपको प्रायोरिटी पे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 रिवीजन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 8, 9, 10 ये वाले क्वेश्चंस मस्ट है रिवीजन के लिए। उसके बाद में आप बोलना कि हाँ भाई ये अभी मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। लिखिए हेडिंग लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। मैं क्या पढ़ा रहा हूं अभी आपको, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। आर यू रेडी? आई एम गोइंग टू नाउ टीच यू लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। कम डाउन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अ लिक्विडेटर ऑफ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन ऑफ 2% ऑन असेट रियलाइज्ड एंड 3% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सही है? द असेट रियलाइज्ड 10 लाख, अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बिफोर पेइंग लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन इज 4,12,000। प्लीज हाईलाइट द वर्ड बिफोर पेइंग लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। ओके, 4,12,000। कैलकुलेट द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन इफ द सरप्लस इज इनसफिशियंट टू पे ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन टोटो। इन अदर वर्ड्स राइट डाउन, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर ₹9 लाख। चलो स्टार्ट करो प्रॉब्लम सॉल्व करना, रफ में जो कुछ भी आप कर सकते हो। मुझे कमीशन कैलकुलेट करके दिखाओ। टोटो इज टोटैलिटी, टोटो टोटैलिटी, पारी पशु क्या बता? तो ऐसे वो कहीं से लेकर आ गए टोटो, मैं क्या करूं अभी उसके लिए। टोटो इज इन टोटैलिटी, मला आवाज नको पाहिजे, मला आंसर पाहिजे। हाँ बेटा जोर से बोल, क्या बोल रहा है? 32,000, 732, 32,742। अच्छा और कोई बच्चा? हाँ बेटा एक छोरी का आंसर है 32,000। और कोई बच्चा? 32 की लड़ी लग गई अभी। हाँ 32,118, 32,360। चलो एक तो कॉमन है 32,360, 32,742, 32,360। हाँ गुंडिया नागिन स्टेप दे रही थी नागिन वाले। हाँ बोल, 32,360। हाँ बेटा बोल, 32,360। ठीक है चलो फिर, मतलब मेजोरिटी लोग यही आजू बाजू में घूम रहे। किसी का और कोई आंसर है तो बताओ अभी। नहीं चलो लेट मी एक्सप्लेन यू क्या है बेटा। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है, पार्शियल है, सिर्फ कंसेप्ट क्वेश्चन है, सिर्फ कंसेप्ट क्वेश्चन है। देख बेटा श्रेया ध्यान से, ये मेरा क्या होगा, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में मेरे पास 10 लाख रुपए आए थे। 10 लाख रुपए में से मैंने कुछ पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है,
एग्रीड, इस वजह से वो 10 लाख रुपए नहीं बचे मेरे पास, कितने बच गए, 4,12,000। तो बेटा जी पहले तो मैं इसको लिख दूंगा 4,12,000, मेरे पास बैलेंस कितना है 4,12,000 से यस। अब लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन मुझे निकालनी है, क्योंकि जब मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट करूंगा उसके पहले मैं क्या करूंगा, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन निकालूंगा से यस। असेट रियलाइज मेरी है 10 लाख, असेट रियलाइज मेरी है 10 लाख, प्लीज चेक कीजिए। सो बेटा 10 लाख के ऊपर उन्होंने कहा कि 2% देना है, तो मैंने दे दिया 10 लाख पे 2% कितना आ जाता है 20,000, मैंने लिख दिया 20,000, ठीक है। अब बची हुई वैल्यू पर मुझे देना है कितना, 3%। बेटा 3% क्या बोला है, 3% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तुम्हारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तुम्हारे 9 लाख है। बेटा पूरी क्लास का ध्यान इधर, स्टैच्यू 9 लाख है। क्या 4,12,000 माइनस 20,000 में से हम पेमेंट कर सकते हैं क्या 9 लाख का? नो। सो माय डियर फ्रेंड, द अमाउंट अवेलेबल इज इनसफिशिएंट, द अमाउंट अवेलेबल इज इनसफिशिएंट, एग्रीड। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक तरीका गलत करता हूं मैं भी, गलत क्या, 4,12,000 माइनस 20,000 3,92,000 इंटू 3% कितना आ रहा है 11,760। हाँ है ना, जिन बच्चों का ये आंसर आया ये आंसर गलत है, क्यों गलत है, लेट्स सी इट, दिस इज 100% रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग, लेट मी एक्सप्लेन यू। 11,760 ना, क्योंकि यहां पर फिर पेमेंट कितना होगा क्रेडिटर्स को, 4,12,000 माइनस 20,000 करो, माइनस 11,760 करो, 38024 बराबर है क्या? अब इसका 3% निकालो, ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो हमने उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। उन्होंने बोला अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कितना 3%, और तुम्हारे हिसाब से 4,12,000 में से पहले 20,000 गया, फिर ये गया, तो बचा ये है, हाँ है ना, और इसका 3% निकालो तो मैच नहीं हो रहा है। सो मैंने आपको रूल दिया कि व्हेन द अमाउंट इज इनसफिशिएंट यू हैव टू यूज दिस मेथड। पहले क्या करना है, ये आउटर कॉलम में क्यों लिख रहा है, अभी रियलाइज कर रहे हो क्या, क्योंकि आउटर कॉलम में नहीं लिखूंगा। सो 4,12,000 माइनस 20,000 होगा नहीं, क्योंकि वो इनर कॉलम में दब के रह जाएगा, इसलिए जो भी रेम्यूनरेशन रहेगी 2 होगी 3 होगी, हर एक चीज को कहां लिखो, आउटर कॉलम में। फिर मैं तुमको बोलूंगा बच्चों जाओ बैलेंस निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे, 4,12,000 माइनस 20,000 कितना बैलेंस आ रहा है 3,92,000, क्या परसेंटेज है 3/103, क्योंकि 3,92,000 मुझे दो चीजों का पेमेंट करना है, एक रेम्यूनरेशन का और एक क्रेडिटर्स का। तो अभी रेम्यूनरेशन निकालो 3/103 11417 से, तो बेटा अभी बचा हुआ पेमेंट इधर आ जाएगा, कितना आ रहा है क्रेडिटर्स 4,12,000 माइनस 20,000 माइनस 11417 380 58, डज इट टैली ए रसगुल्ले बच्चे? अब इसका 3% निकाल कर देख, मैच हो रहा है क्या? तो मैंने क्या रूल समझाया, व्हेन द अमाउंट इज इनसफिशिएंट यू शुड टेक 3/103, बट व्हेन द अमाउंट इज सफिशिएंट, मतलब मान लो मेरे पास बैलेंस होता 14,12,000, देन आई वुड हैव टेकन अप हाउ मच डायरेक्टली 3%। से यस, मुझे नहीं समझा, व्हेन द अमाउंट इज इनसफिशिएंट व्हाट आर यू गोइंग टू डू, टेक 3/103, बट वेन द अमाउंट इज सफिशियंट देन देर इज नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली टेक 3/100। मैंने 3/103 बोला था क्या? हाँ बोलो, थ्री 92 मतलब जितना पेमेंट कर रहे, वो पेमेंट कितना कर रहे, 9 लाख करते ना उस केस में, सो 9 लाख का 3% डायरेक्टली। अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, डोंट वरी। ये चलो रूल लिखो अभी, ट्रिक, when the amount available, when the amount available, when the amount available, when the amount available is sufficient, when the amount available is sufficient, calculate commission as 3/100, calculate commission as
3/100, okay, write down the next. When the amount available, when the amount available is insufficient, when the amount available is insufficient, calculate remuneration as 3/103, 3/103, right? In the bracket, likho, refer formula on page number 9. Refer formula on page number 9. Refer na problem, formula on page 9. Jaake dekho formula on page 9 hai kya? Question bank mein page 9 par jaake dekho formula hai kya? Cash available into commission rate divide by 100 plus rate of commission. Hai kya nahi hai? To wala formula highlight karke rakh do, maine abhi aapko sikha diya wo wala cheez. और उसके हेडिंग क्या लिखी है? हेडिंग ऐसे लिखी है क्या? When the amount available is what? Insufficient. You can also highlight the word insufficient. जब amount available is insufficient, on the top बेटा, on the top. When the amount available is insufficient, formula आएगा वहां पे on the top. वहां पर है. Is that okay? Yes. चलिए अब इसका आंसर सॉल्व कर लेते बेटा. बनाओ अभी liquidator statement of account extract. ये तुम्हारा एक भी आंसर मैच नहीं हो ना, किसी का भी मैच नहीं हो ना, तुम्हारा आया था पर तुमने बोला नहीं. वेरी गुड लिक्विडेटर. फिर अभी क्यों बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लड़कियों की एक खास बात होती है, इंक्लूडिंग माय बाइको, ये पहले कुछ नहीं बोलती है. ये जब रॉन्ग टर्न ले लिया ना, फिर मैंने पहले बोला था, मुझे मालूम था पर मैं बोली नहीं. फिर बोला अभी भी चुप बैठी रहे ना, अभी क्यों बोल रही है. सो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन द ब्रैकेट लिखो एक्सट्रैक्ट. बॉयज जितनी जिंदगी जीनी है ना जी लो, अभी बाद में तो जिंदगी झंडी होनी है तुम्हारी. एक्सट्रैक्ट इज दैट ओके? सॉरी सॉरी सॉरी, मजा कर रहा हूं. नाउ लेट्स राइट डाउन व्हाट फर्स्ट वन टू क्या लिखेंगे. असेट्स अवेलेबल बताओ यार कितना है. बशी गई जन गाँव पर भी रही जा 4,12,000. बोल रहा हूँ एक्सट्रैक्ट है तो 10 लाख. और किसका पेमेंट करेगी 10 लाख में से 9 लाख? पता है कुछ नहीं. उन्होंने बोला है क्रेडिटर्स के पेमेंट के पहले 4,12,000 बचे हैं, तो 4,12,000 से शुरू कर सकते हैं हम. से यस. अभी किसका पेमेंट करेंगे? लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन. तो मैं इधर करूंगा लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन. ध्यान रहे बाय नहीं लिखा तो चलता है सर, टू लिखना पड़ता है, टू भी नहीं लिखा तो चलता है. लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन. अब उसमें फर्स्ट वन 10 लाख इंटू 2%. कहां पर लिखना सिखाया पांडे जी मैंने? आउटर कॉलम. बच जाओगे अगर आउटर कॉलम में लिखा तो 20,000. और फिर दूसरा क्या करेंगे? 4,12,000 माइनस 20,000, क्योंकि आपको बैलेंस निकालना पड़ता है. हाँ नहीं, असेट तो पहले रियलाइज हो गई होगी. जैसे असेट रियलाइज हुई होगी, सामने वाला आदमी चुप थोड़ी ना बैठा होगा, उसने क्या बोला होगा? कमीशन दे भाई. उसको कमीशन दिया होगा 20,000. तो पैसा कितना बचा होगा? 4,12,000 माइनस 20,000. हाँ बराबर 3 लाख. यू आर एब्सोल्युटली राइट. 3,92,000 इंटू 30/3/103 11417. ये लिखा और इधर क्या आ जाएगा? पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. जो बचा हुआ इधर कर दो. कितना? 380 583. ये टैली हो गया. इसका मतलब ये जो पेमेंट है उसके ऊपर कमीशन अगर मैं 3% निकालूं तो ये मैच हो जाएगा. क्यों? हाँ 130 380 583. इज दैट ओके? यस. बोलिए अगर कोई क्वेरी है तो. है क्या कोई क्वेरी? चला मैं पुढ़े जाइए. बोल पाई थे बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. सिक्स्थ और बेहतरीन है. ये कंसेप्ट क्वेश्चन था,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़िए क्या लिखा है। अ लिक्विडेटर इज एंटाइटल टू रिसीव रेम्युनरेशन ऑफ 2% ऑन द असेट रियलाइज्ड, 3% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड 3% ऑन द अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। द असेट रियलाइज्ड फॉर ₹25 लाख अगेंस्ट विच द पेमेंट वॉज मेड एज फॉलोज, लिक्विडेशन 25, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 10 लाख, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स 75,000, द अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वॉज 15 लाख। You are asked to calculate the total remuneration payable to liquidator. Calculation should be made to the nearest multiple of rupee. Start. Try. क्योंकि percentage का ही तो है. Try. Concept question है नहीं तो भी. पांडी जी बात हो गई क्या कंप्लीट? डोकरी हो गई क्या? डोकरी बोलती हो गई है। चलिए मैडम फिर आगे बढ़े। नहीं नहीं रुकने वाला हूं। क्या दम दे रहे हो? गिरने लायक नहीं रुकूंगा। चलो आ गया। चलो बताओ अभी क्या करेंगे? आंसर बता दो बच्चों का आंसर। 92683। ओके नेक्स्ट 97 250। आपका कुछ आ रहा था 91 5 0 5। ओके और कोई? 94 250। और कोई? 96 बेटा 189। ओके एनीवन एल्स? 94 417। मुझे लगता है काफी है इतने। और तुमको ये पता चल गया होगा कि ये अभी जब मैं सॉल्व करूंगा तभी इजी लगता है। बाकी तुम इसके साथ क्या क्या कर सकते हो तुमने देख लिया है। तुम में पूरी की पूरी काबिलियत है कि तुम इसकी वाट लगा सकते हो। लिखा है ना 94 250, 94 650। ले बेटा तू भी खुश रहे, तेरे को भी रिप्रेजेंटेशन दिया। अभी बस रहे, अभी आंसर काफी हो गया। अब मैं बताता हूं। A liquidator is entitled to receive remuneration at 2% on asset realized, 3% on the amount distributed to preferential creditors, and 3% on the payment made to unsecured creditors. The asset realized for 25 lakh against which the payment was made as follows. Liquidation 25,000, secured creditors 10 lakhs, preferential creditors 75,000, and the amount due to unsecured creditors was 15 lakh. You are asked to calculate the total remuneration payable to liquidator. मुझे थोड़ी से समय के लिए आवाज नहीं चाहिए या queries नहीं चाहिए। ये हो जाने के बाद में मैं जब बोलूं कि हाँ अब आप queries पूछ सकते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना? थोड़े समय के लिए queries को दबा के रखना। Liquidator's statement of account, बेटा debit side में आपने कितना लिखा? debit side में आपने कितना लिखा? मैं अभी पूछ रहा हूं क्वेश्चन, आप आंसर दीजिए। हाँ 25 लाख। आई एम सॉरी आप 25 लाख नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि आपको सरप्लस लिखना होता है। पढ़िए वहां पे लाइन क्या लिखी है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 10 लाख दिया है और उन्होंने ये भी वर्ड बोली है, द असेट वर रियलाइज फॉर ₹25 लाख अगेंस्ट विच पेमेंट वॉज मेड एज फॉलोज, लिक्विडेशन 25,000, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आपने नजरअंदाज कैसे कर दिया पांडे जी? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का तो आप सरप्लस लेते हो ना पांडे जी? तो सरप्लस अगर लेना है तो मैं इधर लिखूंगा असेट रियलाइज्ड
आई विल राइट डाउन 25 लाख माइनस 10 लाख इट वुड बी 15 लाख। पहला मुद्दा समझने की बात यह है, यहां पर सरप्लस लिखते हैं हम, कोई घाई नहीं करेगा, मैंने बोला टेक अ पॉज, कोई घाई नहीं करेगा, सब लोग देखेंगे पहले। नेक्स्ट, अभी हमको लिखना है कि इधर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, मैंने कहा वो एट पार है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 25,000 एट पार, और बेटा जी लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन भी एट पार है। मैंने आपको सिखाया कि यू हैव टू राइट इट इन द आउटर कॉलम, ध्यान रहे रेम्युनरेशन निकालते हो, यू कैन नॉट टेक 15 लाख, यू हैव टू टेक 25 लाख इनटू व्हाट परसेंटेज बेटा, 2%। दिस इज द वे योर एकेडमिक्स टीचर्स यू, एग्रीड? एक क्वेश्चन आगे ऐसा भी आएगा जिसमें मैं रेम्युनरेशन 15 लाख पर निकालूंगा, बट यहां पर आपको ध्यान में रखना कि हम जब भी कोई आंसर निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू ऑफ द असेट पर हम रेम्युनरेशन देंगे, क्योंकि हमारा अजम्पशन ये होगा कि ये असेट भी किसने रियलाइज किया है, लिक्विडेटर ने, नहीं तो भला ऐसा क्यों बोलेंगे कि उन्होंने पेमेंट किया 10 लाख का। जाहिर सी बात है लिक्विडेटर ने रियलाइज की होगी 25 लाख, तो जाहिर सी बात है पेमेंट भी वही मांगेगा, कमीशन भी वही मांगेगा, हाँ नहीं? तो वो कमीशन 15 लाख पर नहीं मांगेगा, 25 लाख पर मांगेगा। तो 25 लाख का 2% कितना बताएंगे पांडे जी? तुम्हारे बोलने के अनुसार मैंने लिखा 50,000, और मेरा रूल है मैं आउटर कॉलम में लिखता हूं। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है, आगे पढ़िए क्या लिखा है, 3% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अंडरलाइन द वर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। पांडे जी हां पढ़ तो रहा हूं, 2 मिनट दे तो दो यार। 3% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड 3% ऑन पेमेंट मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये प्रॉब्लम को मैंने और मॉडिफाई कर दिया है, अगर वो नहीं भी लिखा रहता वो लाइन 3% ऑन अमाउंट पेड टू प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, स्टिल प्रिफरेंशियल क्रेडिटर इज ऑल्सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अगर मान लो लाइन काट भी दूं उसमें से, इसलिए अगर आपको याद होगा मैं कल पढ़ा रहा था तब मैंने लिखकर भी दिया था प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स आर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, हाँ नहीं? सो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी रेम्युनरेशन, जो पेमेंट करेंगे उस पर भी हमको रेम्युनरेशन देना पड़ेगा, वो लाइन है अथवा नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ठीक है दिया है तो हम देख लेते, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को कितना दिया है 75,000। पांडे जी 75,000 के लिए अमाउंट सफिशिएंट है क्या? अरे है कि नहीं है? है। सो कैन आई नॉट से इन 2-3% 2-5-0? तुम बहुत कमाल के बच्चे हो, 2-5-0 सही है। रुके दो श्री पांडे जी, लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन बचा हुआ कौन? बचे हुए क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। कितने बचे हुए क्रेडिटर्स है, कितना मांग रहे बचे हुए क्रेडिटर्स? 15 लाख। बेटा बहुत ना इंसाफी, 15 लाख का तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे हम, हाँ या नहीं? क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है। तो बैलेंस निकालिए, बैलेंस निकालिए। मैंने यहां पर पॉज लिया, ये आपको ये डॉट आपको याद दिलाते रहेगा, मैंने यहां पर पॉज लिया था, पॉज लेकर मैं बैलेंस निकालूंगा, और इस चैप्टर में मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पॉज लेते रहूंगा जगह जगह पे, जहां पर भी आपको मेरा डॉट दिखेगा घर पर याद रखना कि सर ने पॉज लिया था और बैलेंस निकाला था इस लेवल पर। तो पॉज लेकर बैलेंस निकालिए, 15 लाख माइनस 25,000 माइनस 50,000 माइनस 2-5-0 14 लाख 750। इसको पूछो क्या तू सफिशियंट है, कह रहे मेरे 15 लाख के क्रेडिटर को पेमेंट कर, वो बोलेगा नहीं सर। तो इनटू आएगा 30/130 3/103 कितना 4143439 yes or no? और बचा हुआ पेमेंट अब किसको कर देंगे, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे क्या? अरे गड़बड़ हो गई भाई, मैंने तुरंत 2 मिनट में बोल दिया गड़बड़ हो गई रे नलायक, ऐसे गधड़े हो। यहां पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का भी तो पेमेंट करना था यार, 75, तभी मैं बोलूं 75,000 पेमेंट कर दिया बैलेंस कैसे बच रहा है, तब तक क्लिक नहीं हुआ था। ठीक है 75,000 का पेमेंट होगा ना यार, ऐसे क्या कर रहे हैं? ऊपर क्या लेस हुआ है? रेम्युनरेशन। और इसका 10 लाख का पेमेंट कर दिया है ना हमने, और 25 लाख का रेम्युनरेशन दिया। अब चलो एक काम करो, बैलेंस निकालो, अभी इधर पॉज लिया और बैलेंस निकालो, 13,47,750 इंटू 3/103 बताओ कितना आएगा, 3925 ले लूं। अच्छा अब इधर क्या आ जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बेटा अब बैलेंसिंग फिगर निकाल दो इधर, और बैलेंसिंग फिगर निकाल कर बता दो। थर्टीन लाख
13,08,495 बेटा कैलकुलेटर लो, पता नहीं ये बच्चे पर कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को, 13,08,495 बराबर है क्या? करेक्ट है, कोई बात नहीं, करेक्ट है बेटा, सॉरी ये खुद कॉन्फिडेंटली नहीं बोलता, मैं क्या करूं। लो कैलकुलेटर पर लो, 13,08,495 इंटू 3% 39255, तो क्या ये वाला फिगर राइट है क्या? राइट है। अच्छा नेक्स्ट, 75,000 का 3%, क्या ये वाला फिगर भी राइट है क्या? यस। तो टोटल रेम्यूनरेशन कितनी हो गई? लो कैलकुलेटर पर, 50,000 प्लस 2250 प्लस 39255 9155, मतलब ये वाला आंसर सही निकला पांडे जी, 91505 इज द राइट आंसर, इज दैट ओके? बाकी जिन्होंने जहां पे गड़बड़ की तुमको पता चल गया, चलो करो। ये किसी को डाउट है क्या इसमें? आई एम रेडी टू टेक द क्वेरीज नाउ, कोई डाउट? बेटा ये कंसेप्ट क्वेश्चन है, मैं आगे इसको समझाते नहीं बैठूंगा, अभी कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। इसमें और एक टाइप आएगी, थर्ड टाइप भी आएगी अभी, और बस सिर्फ आउटर कॉलम में लिखना, बाकी मैं बचा लूंगा आपको। लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, हो गया बेटा? सो दिस विल क्लोज डाउन एंड इट विल, it is the way, 13,08,495 is the balance which will be created, say yes. बोल छोरी क्या बोल रही है? डन डन डन।